लगता है खबर पहुंच गई है तुम तक। मुबारक देने आई। किस बात की? गेस करो। हस्कील वापस आ गया? नहीं, हस्कील तो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला। शादी हो रही है मेरी, पूछोगे नहीं किससे? जरी, तुमने मुझसे कहा था ना कि हस्कील को मुझसे दूर करके तुम मुझे वही दुख, वही तकलीफ और वही कर्ब देना चाहती हो जो शुजा से दूर होके तुम्हें मिला था। यही कहा था ना तुमने मुझसे? इन बातों का मतलब क्या है? आंसर पप्पू से जाकर पूछ लो, बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अम्मी, क्या हुआ है? अरे जरी, तुम कब आई बेटा? मेरी छोड़िया, मुझे बताया हुआ क्या है? ठीक कहता था हस्कील, मैंने सारी जिंदगी अपनी आंखें बंद किए रखी। खान भाई के कहने पर मैंने तुम दोनों को तुम्हारे बाप के घर से दूर रखकर बहुत घाटे का सौदा किया। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? खुश नसीब हो बेटा तुम, जैसे खुदा ने इतनी मोहब्बत करने वाले लोग दिए। वो लोग जिनकी मोहब्बत को मेरी अना ने कभी तस्लीम ही नहीं किया था। अम्मी, आप मुझे बताएंगे कि बात क्या हुई है? खान भाई ने शायना का रिश्ता तय कर दिया। जानती हो किसके साथ? शुजा के साथ। सब कुछ भूल गए वो लोग, जिस लड़के की वजह से मेरी बेटी पर इतना बड़ा बोहतान लगाया, उस लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, शुजा ऐसा नहीं कर सकता। शुजा ने खुद रिश्ता भेजा है और पलवशा भाभी को शाइना से मोहब्बत का यकीन भी दिलाया। किसकी कॉल है? वो हस्कील का फोन था। ये दाग नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। आगा जी, हस्कील को फोन करके मना करें कि वो यहाँ फोन मत किया करे। क्यों, अब क्या हुआ? जब ये तय हो गया कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, तो वो क्यों महानूर को फोन करता है? आप तो ये बात इस तरह कह रही हैं जैसे हस्कील हमारे कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें हस्कील की बहुत फिक्र है, फिलहाल तो उन्हें किसी तरह आंसर के पास रहना चाहिए, बाकी बातें बात की हैं। आगा जी, मुझे एहसास है कि आपको अपने भाई की औलाद से किस कदर मोहब्बत है, लेकिन यह मामला हमारी बेटी का है। अगर आप हस्कील को समझाएंगे नहीं तो हमारी महानूर की रुसवाई होगी। इज्जत और जिल्लत इंसान के बस में नहीं है जरा। मत भूलिए कि आंसा हस्कील के घर छोड़ने की जिम्मेदार महानूर को ठहरा रही है। ये आनिसा जो कुछ कर रही है ना, जो सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रही है, वरना वो भी अच्छी तरह जानती है कि हस्कील अब उस घर में नहीं रहेंगे। हादी बेटा, वो जरताज सुबह से घर से निकली हुई है,
कोई रابता हुआ उससे? वो अब नहीं आएगी। अब जाएं उनसे बात करें, जाएं। बेटा कोई बात हुई है तुम दोनों के बीच? बात ही तो नहीं हुई अम्मी। कब तक हमसे छुपाओगे तुम? आखिर क्यों नहीं बन पा रही तुम दोनों के बीच में? और कितनी कोशिश करूं मैं, क्या करूं? वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है जिससे जिससे वो मोहब्बत करती है। क्या अब तक? तुम आंसा से बात करो। क्या बात करूं, ये बातें करने वाली? मुझे तो खुद शर्म आती है। उसे शर्म नहीं आती? क्या इज्जतदार घरानों की लड़कियां ऐसी होती हैं? आगा जी से बात करती हूं मैं, आखिर हम कब तक छुपाएंगे ये बात? आगा जी से तो बात करनी पड़ेगी। बेटा कहाँ गई थी आप? आगा जी मैं अम्मी की तरफ गई थी। I'm sorry, मुझे थोड़ी देर हो गई। आगा जी ये क्या हो रहा है इस घर में? जो कुछ आप देख रही हैं, बेटे से कहिए कि इतनी जल्दी हाथ पांव छोड़ देना मर्दों को जेब नहीं देता। आगा जी आप नहीं जानते, आपका बेटा बहुत हिम्मत वाला है। तो फिर हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करे। Yeah.